हेलो गाइस, एक वो पागल जाते हुए। हेलो गाइस, आ जाओ त्रिमूर्तियों, आ जा आ जा, आके बताइए। छुटकी मूर्ति क्या कहोगे अपने आप को बताइए। हम ये कहेंगे पुराना देखो, पुराना सुनो, पुराना बोलो। ये क्या था? हाथ चलाने मना है। सॉरी बोलो। आ जाओ, आजा थर्ड मूर्ति, आजा। पधा आइए पधारिए हमारी मूर्ति जी। हम जरा थक गए हैं गाइस, आज हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं स्कूल में से आने के बाद। सेंट्रा में भी चलते हैं हमारे। नितेश शिवपुरी ऐसी कोई पाइप तोड़ के आया है स्कूल में कहीं। तो शूज बाहर निकाले जाएं। हाँ, बैग रखो, शूज निकालो। ये देखिए गाइस, ये देखिए मेरे बेटे के कपड़े, आप देख सकते हैं पैंट की हालत। ये आप मेरे को उठानी थी लेकिन मैंने आपको दिखा दी तो उठा के बाहर तोड़ा है। बड़ा छोटा? हाँ बताओ। मैंने बहुत बड़ा बाहर तोड़ लिया है गाइस। बाहुबली ने तो कुछ बाहुबली ने तो कोई मजबूत चीज तोड़ी होगी। जब मेरा कोई भी मुश्किल काम होता है ना, सारे मुझे याद करते हैं बाहुबली लड़के, बाहुबली को बुला कर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया कि एक चीनी का दाना भी रहेगा। हाँ चाचा, क्यों भाग गए हैं? तो गाइस, मैं हूँ यहाँ की बाहुबली। आपको भी कोई भारी भरकम काम करवाना हो तो मुझे कॉन्टेक्ट बिल्कुल ना करे, नहीं काम स्वयं करे, तो प्रियांशी की इंग्लिश दोबारा सुनाना चाहोगे आप? प्रियांशी बस डू इट बाय योरसेल्फ, मैं ये बोलना चाहती थी। क्या कहना चाहोगे? मम्मी अपन क्यों रोज हमारी क्लास में क्यों हुआ? क्या हुआ निकिता? कहते कुछ होया ही नहीं। मैं बताती हूँ आज ही निकिता। रुको क्योंकि यो काम करवा तभी जब चाचा बाबू रहती ना तो मेरे पनीर सर आ गए हो। हाँ नितेश, आप क्या खा रहे हो, एक बार दिखाना चाहोगे? खा लिया जो कुछ खाना था। तो आज की कटाई हुई है क्योंकि अपनी नोटबुक लेके जाना भूल गई। सही हो यार, जब कल से याद रहेगी। नितेश के तो भी नहीं भूले थे, जानबूझ के नहीं लेके गए थे। हाँ वो दूसरी बात है, वो सीक्रेट हम रिवील नहीं करना चाहते। हम क्यों नहीं लेके गए थे? बोल के स्कीमें बता दे। सही कह निधि, नया ना तू तो बोल के सबको स्कीमें बता दे सबको स्कीमें बता दे तू तो। अच्छा बता दे, किसी कभी ये बीमारी हो कि वो गलती से नहीं भूला हो, जानबूझ के लड़के चला गया तो मैं कभी स्कीमें बता देना। ऐसे बच्चे हर घर में हैं, A few moments later, जब ये ऊपर है ना कपड़े उतारने के लिए गया हुआ था, क्या हुआ नितेश वहाँ पे? मैंने कहा था कैसल रेस लगाऊंगे, उसने एक कपड़ा लेके हुआ है ऐसे नीचे भाई घोड़ी की तरह मैं वहाँ पे। नितेश वहाँ सारे कपड़े उतारता रहेगा नीचे नीचे पाए। और है ना, मैं पूछ रही कि निकिता कहाँ गई, मैं उसे ऐसे ही आवाज लगा रही थी, तो फिर उसने क्या कहा नितेश? अच्छा तो तुम ऊपर मेरे बारे में ये सब बातें कर रहे थे? रियली? अच्छा ठीक है, तो अब हमने हेलीकॉप्टर तो गए हवाई अड्डा किससे गए थे ना? अच्छा नितेश, ऐसा कुछ भी था क्या? मुझे किसी ने बताया नहीं। तो जैसे छोटे मोटे आदमी को कैसे पता चले सारी बात? मैं छोटी मोटी हूँ। और देख छोटी है मोटी कुछ भी मतलब है ना? निकी कहते तो पैरों में पड़ी रहती है। अच्छा You are in my legs. अच्छा, ओ इतनी इंग्लिश झाड़ रहो तुम। नहीं, हम हमारे पिता के नशे का नंबर क्या कह रहा है? हाँ हमारे पिता के नशे के नंबर चलेंगे। पिता क्या होता है? पिताजी। यानी कि सत्यवादी मैं। नहीं, हम प्योर हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। प्योर कितना है हिंदी का शब्द?
शुद्ध हिंदी, शुद्ध शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मिलावट मिलावट ओनली हिंदी, नो मिलावट, अंडरस्टैंड यू, यस अंडरस्टैंड। प्रिया, हाँ, मेरे लिए क्या बनाओगी? चाय। बनाती हूँ और मेरे लिए कॉफी बहुत आती हूँ अम्मा। कहाँ देखी हो तो मम्मी आप क्या कहना चाहोगे इनकी नौटंकी पे? क्या कहना चाहोगे इनकी नौटंकी पे? तो गाइस हमारे तो ऐसा ना 24 घंटे चलता रहता है। आप कमेंट्स करके बताना कि आपके घर पे भी ऐसा ही चलता है। अब भैया आज ना घर पे हमारे दादाजी का करता तो हलवा बनाया। अरे अब देखो कोई कढ़ाई में हलवा का टुकड़ा उठा रहा है और खा रहा है। कोई तो जो डालने की भी जरूरत नहीं समझ रहे। जो बनाए थे और केले भी रखे हैं, कोई केला उठा रहा है, कोई हलवा देखो ऐसे ही हाथ में लेके खाते है। बेशरम बेशरम ना देखते हो ना, तो इसे देख लो, ये पक्की बेशरम है हमारे यहाँ पे। अरे वो हलवा बर्फी बन चुका है ना निकिता। ये ना इसके काम होते कटोरी में नहीं डालेगी। देखो ऐसे खाते कटोरी में नहीं ले सकते एक के बार में जितना खाना हो। अच्छा मैं तो खुद खास कर नहीं मांजती। तब तो मैं मान देती हूँ। नितेश मान देता कभी कभार जब ऐसा लगता है ना मम्मी की तबीयत खराब है और ज्यादा बर्तन ना ही नहीं। आप जब जा रहे होते जब तो मैं ही मानती हूँ। मतलब जब आप घर में होते हैं आपकी तबीयत खराब होती है या ज्यादा बर्तन दिखते हैं वो मान देता है। मूड का बात है, मूड होता है ना तब मान देता है वो। स्मेल आया अगर मैंने तो पता ना अजीब सी उसमें से। कोई बात ना, और ये पता है कि कर लेगी मम्मी ना होती जब करे ना है। क्या कहने की दोबारा बोलिए, एक बार दोबारा फिर बोल दे। इसने पता क्या पूछा है प्रिया? बताओगी क्या पूछा प्रिया तने? पूछा थी कि तने जो थे खाए इधर के ही खाया। हां तने की तने क्या जवाब दिया? खाना है क्यों गोबर खाया ये ने कमी हलवा पड़ रहा गर्मी इतनी सारी चीज फिर भी गोबर खाया भाई ने कमी ये बताने की बात नहीं होती प्रिया जी। आपको खाने में क्योंकि ये शर्ट आप करके निकल जाती है और इसके ऊपर वो चर्चे लगते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, इसके मुंह मत लगाना कभी।
क्योंकि निकिता और नितेश अच्छे चरचरे काम है इस पर जब भी काम है वो तो बचपन से याद है। मार के क्या मैं तो घूमगी उस साइड जाऊंगी ना उस साइड पहुंची क्यों कहती मार के दिखा मेरा लग गया मैं तो पड़ा मैं नहीं है मैं अच्छा तक दिखा ले दिखा कर दिखा ले मैं तो पहले बैठ गई थी प्रिया मैं दिल्ली पहुंचा दी प्रिया मैं तो नहीं वैसे पहुंचा दी ऐसा ही मैं वो आ गए कर मैंने मैं चार लोग पहुंचा दी यूएस किट को बैठूं इन मैं अब हम ऊपर आ चुके हैं तो क्या कर रहा है नितेश तू मैं कुछ भी ना कर रहा हूँ अभी तो वहाँ खड़ा हो गया कुछ बोल रहा था कि आप पहले यहाँ पे थी ना पहले आप यहाँ पे थी अब आप यहाँ पे नहीं हो नहीं देखिए इसके ड्रामे देखिए आप देखे। क्या कर रहा है मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि प्रियांशी कलर कहाँ पे है अरे यहाँ पे मेरी जमीन के नीचे में है प्रिया तेरी इज्जत तो बढ़ गई प्रिया दे वहाँ पड़ी पड़ी अंडे फालतू मत बोल तू टोके टोके प्रिया चाहिए उठे हाँ चल हम खा कर देंगे आज मैं देखिए वो वहाँ पे इसे उठाने गया है लीजिए फिर से डाल दिया हमने आपके ऊपर आपकी इज्जत भूख देखिए वो क्या कर नीचे गिर चुकी है फिर से नीचे गिर गई आपकी टो आने की क्या है इज्जत ये देखिए गाइस ये है मेरी इज्जत और ये पड़ी पड़ी है जिसको हम नीचे भगाएंगे जिसको अभी देखिए हम नीचे भगाएंगे ना किसी का लाग जाएगी बावली बेटी ये गिरी हुई इज्जत अब गिरने जा रही है अब गिरी हुई इज्जत गिर चुकी है तो मम्मी ऊपर अब आ गई अपनी वॉक के लिए मैं बता देती हूँ मम्मी अपनी वॉक कभी नहीं छोड़ती मम्मी उस दिन सोनीपत गई थी ना मम्मी ने तब भी अपनी वॉक नहीं छोड़ी थी मम्मी उस दिन भी फिर बेटा वो यो भी एक अपना काम है और कुछ छोड़ना हम खाना छोड़ते और कुछ भी अपना एक काम है देखिए क्या कर रहे देखिए 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 क्या था इसमें क्या था आपको पता है क्या था बंदर की होती थी मैं शर्मो तो मैं बताऊंगी गाइस देखिए मैंने इसे पकड़ लिया है अब इसके साथ जो होगा वो ये भी नहीं जानती गाइस ये किसी का तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिले और ये कुछ ऐड करना चाहती है मम्मी और भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से सब्सक्राइबर बढ़ एक महीने में हमारा अच्छा रिस्पांस था हाँ, अच्छा तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बस इतना भी धन्यवाद नहीं चाहिए तो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही बाय।